जब सूर्य 12th हाउस सेकंड हाउस में प्रॉब्लम वाले होंगे तो आपकी आंखों को प्रॉब्लम आएगी। और कभी कभी तो ग्रहों की स्थिति कनुप्रिया इतनी स्ट्रांग है, नेगेटिव या पॉजिटिव, कि उस बात को सहन करना पड़ेगा, मुश्किल से कोई उपाय मिल पाता है, पर फिर भी इम्प्रूव हो सकता है। मान लो आपके चश्मे का नंबर बचपन से उतना है तो धीरे धीरे कम भी हो सकता है, बढ़ेगा नहीं, ऐसी स्थिति आ सकती है। और कभी कभी कुछ और कारण भी ढूंढने पड़ सकते हैं। तो आंख के लिए दोस्तों एक छोटा सा स्तोत्र आता है, नेत्रो उपनिष्ट स्तोत्र। तो उस स्तोत्र का जो पाठ करना है, पाठ जो है दोस्तों थोड़ा ऊंचे स्वर में करना, तो उसका नेत्रोपनिष्ट का पाठ आपको बहुत बड़ा लाभ देता है। उसके पाठ को सीख लें, बच्चों को सिखा दें, और प्रतिदिन 3 पाठ उसके करने से बच्चों की जो आंखें हैं उनको शक्ति मिलती है, उनकी आंखों के रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और साथ में रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल दें, रविवार के दिन सूर्य को अर्घ दें। अर्घ के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य उदय के वक्त ही देने चाहिए। और नेत्रोपनिषद ऐसा स्तोत्र है दोस्तों कि जो बिल्कुल जहाँ पे कभी कभी डॉक्टरों को समझ नहीं आती है, आप उसका पाठ शुरू कर देते हैं और आंखों की रोशनी वापस आने लगती है। उसके बारे में ऐसा अनुभव है, जब कभी कहते हैं कि 3 साल में आंख बंद हो जाएगी, डॉक्टर अपनी स्थिति से कहते हैं, और कभी कभी 20 साल भी निकल गए जब उसका पाठ शुरू किया। और आंख के लिए जो 52 शक्ति पीठ में माँ नैना देवी जी का स्थान है, तो माँ नैना देवी जी की आराधना साधना भी आँखों को बल देती है। और जो माँ का मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, महामंत्र है, उसका जाप करना चाहिए अगर माँ आपके इष्ट हैं, तो इससे आपको आँखों की जो प्रॉब्लम जो है आपकी बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक होंगी और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आजकल मैं एक और प्रॉब्लम सुनी, जहाँ कम सुनी थी, कि कुछ बच्चों को कलर का भेद पता नहीं चलता, तो उसके लिए भी मैंने पाया कि जो सन मेडिटेशन है और नेत्रोपनिषद का पाठ है, उसके साथ में निवारण मंत्र का जाप है, मेडिटेशन है, उससे क्या होता है कि आज्ञा चक्र जो आपका है, जब वो एक्टिव होने लगता है, जब वो खुलने लगता है, तो आपकी आंखों की समस्या ठीक होने लगती है। इन उपायों को सभी लोग कर सकते हैं। फिर भी कोई और विशेष परेशानी है तो उसके लिए हमें डिटेल में जाके ही देखना पड़ेगा, ऐसा सामूहिक उपाय नहीं है कोई।